इंडियन सिनेमा का फर्स्ट मूवी का नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो एक 40 मिनट का एक साइलेंट मूवी था, जिन्हें 21 अप्रैल 1913 को रिलीज किया गया था। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था दादा साहेब फाल्के ने, जिन्हें इंडियन सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इस मूवी को बनाने में करीब 21 दिन का टाइम लगा था और इस मूवी को बनाने में दादा साहेब फाल्के की वाइफ का बड़ा योगदान था। बजट लिमिट में होने के कारण दादा साहेब फाल्के की वाइफ करीब 500 लोगों की खाना बनाती थी और इसके अलावा वो आर्टिस्ट के कपड़े खुद ही धोती थी। इन सब के अलावा भी मूवी का बजट करीब 15,000 रुपया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था और ये मूवी उस टाइम पर अपनी बजट की 3 गुनी ज्यादा कमाई की थी।